नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। महिला यात्री की ऑटो में गलती से छूट गई बैग, जिसमें 55,000 रुपए नकद रखे हुए थे। उस बैग को तहसील पुलिस थाने में लाकर जमा करते हुए ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर को रामनगर निवासी अनिता अतुल शेंडे ऑटो में सवार होकर रामनगर से गांधीबाग इतवारी मार्केट में खरीदारी करने के लिए आई हुई थी। ऑटो चालक ने गांधीबाग में उसे छोड़ा था और वापस चला गया था, परंतु ऑटो से उतरते समय अनिता अपना बैग पीछे की सीट में ही भूल गई थी। थोड़ी देर बाद जब उन्हें ऑटो में ही बैग छूट जाने की याद आई, तब उन्होंने इसकी जानकारी तहसील पुलिस को दी। तहसील पुलिस ने ऑटो की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जानकारी निकाली और ऑटो का नंबर हासिल किया। ऑटो चालक गजानन नामदेव नारनवरे 44 इतवारी रेलवे स्टेशन भारती अखाड़े के पास निवासी था, जिसे रात को घर पहुँचने के बाद फरियादी की बैग अपने ऑटो में दिखाई दी थी। जब उन्होंने इस बैग की जांच की तो उसमें 55,000 रुपए नकद दिखाई दिए। ऑटो चालक ने इस बैग को रकम सहित बुधवार को तहसील पुलिस थाने में आकर जमा करवाया। दशहरा उत्सव के चलते हर वर्ष दीक्षा भूमि में दर्शनों के लिए श्रद्धालु महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आते हैं। इसके चलते नागपुर शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश के बाद अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त नुरुल हसन, पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित, पुलिस उपायुक्त विशेष शाखा बसवाराज तेली, पुलिस उपायुक्त यातायात सारंग आहवाड द्वारा बुधवार को करीब 10 बजे के दौरान दीक्षा भूमि में बंदोबस्त का जायजा लिया। इस दौरान 55 पुलिस अधिकारी, 152 पुलिस कर्मचारी, SRPF की 2 कंपनी, RCP की 2 प्लाटून, QRT की 2 प्लाटून, होमगार्ड के 237 कर्मियों सहित भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। बुधवार को इस बंदोबस्त में तैनात पुलिस कर्मियों को पुलिस मुख्यालय में ब्रेकिंग के बाद दीक्षा भूमि में भेजा गया है। इस दौरान दीक्षा भूमि में ही होमगार्ड और पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी किया गया। मध्य रेल नागपुर मंडल प्रबंधक रुचा खरे के कुशल एवं सटीक मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक मनोज तिवारी और अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक जय सिंह के सक्षम समर्थन और टीम BDU व्यावसायिक विकास इकाई के प्रामाणिक प्रयासों के चलते मध्य रेलवे को पहला इंटर डोमिनियल ट्रांसपोर्ट प्राप्त हुआ। BDU के विपणन प्रयासों के कारण नागपुर मंडल मध्य रेल से बांग्लादेश के लिए पहले पार्सल रैक की बुकिंग हुई। इस रैक को बुधवार को रवाना किया गया। बुधवार को 21 VPU और एक SLR फैब्रिक और कॉटन यान से युक्त एक पार्सल ट्रेन को हिंगनघाट से बेनापोल बांग्लादेश के लिए लोड किया गया। 1,358 किलोमीटर की दूरी तय कर मध्य रेलवे पार्सल विभाग के माध्यम से लगभग 24 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। इस रैक को रवाना करते समय वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक आशुतोष श्रीवास्तव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कृष्णनाथ पाटिल, ACM कोचिंग VC थुल, मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक बालेकर, MSI गंभीर की BDU टीम ने रेलवे राजस्व बढ़ाने के लिए नया योगदान दिया। रविवार को श्री दिगंबर तीर्थजीन शरण में राष्ट्रीय संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी का इस वर्ष का चातुर्मास संपन्न हो रहा है। गत 90 दिनों से प्रतिदिन जिनेंद्र अर्चना एवं विधान हर दिन एक परिवार के द्वारा कराया जा रहा है। रविवार को 100 धर्म इंद्र बनने का सौभाग्य राजकुमार जैन, डॉक्टर ऋचा जैन, खुशी जैन, तनिष्का जैन एवं ऋषभ जैन को मिला। इस दिन सुबह 7 बजे 1008 भगवान जिन शरण आदिनाथ भगवान का अभिषेक पूजा, आचार्य श्री 108 पुलक सागर महाराज जी को शास्त्र भेंट पग प्रक्षालन एवं पूजा सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुबह 10 बजे का आचार्य श्री का परग्रहण एवं आहार चर्या हुआ। आचार्य श्री से 11 बजे से धार्मिक एवं सामाजिक विषय में चर्चा, नागपुर के पुलक मंच परिवार के कार्यों का विवरण डॉक्टर ऋचा जैन द्वारा विस्तृत तरीके से बताया गया। दोपहर 2 बजे से भगवान आदिनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गुरुदेव सम्मिलित हुए। डॉक्टर ऋचा जैन के परिवार को 1008 मल्लिनाथ भगवान का विधान करने का अवसर मिला। आचार्य जी द्वारा प्रवचन दिए गए, जिसमें आचार्य जी ने कहा कि भगवान पर विश्वास सबसे बड़ी बात होती है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज्य महासचिव हेमंत गडकरी के नेतृत्व में मनसे पदाधिकारियों ने नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर से मुलाकात कर काटोल विधानसभा क्षेत्र से लापता विधायक अनिल देशमुख को ढूंढने अथवा उन्हें कानूनी तौर पर फरार घोषित करने की मांग की। मनसे ने एक बयान में कहा कि सरकार पिछले 3 महीने से पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अनिल देशमुख को खोजने में विफल रही है या जानबूझकर जांच में देरी कर रही है। काटोल विधानसभा में विधायक लापता होने से जनहित में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यदि आम जनता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि गायब है तो यह आम जनता के साथ विश्वासघात है। इस मौके पर मनसे के प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष किशोर सरायकर व सतीश कोल्हे, नगर अध्यक्ष अजय ढोके व विशाल बैज, नगर सचिव श्याम पुनियानी व घनश्याम निखाड़े, प्रकाश ढोके, गौरव पुरी, हर्षद दसरे उपस्थित थे। कोतवाली पुलिस स्टेशन के नवनियुक्त PI MA ठाकरे का शहर युवा कांग्रेस के तरफ से फूलों की माला देकर स्वागत किया गया। युवा कांग्रेस के शहर महासचिव अजहर शेख ने PI को बधाई दी और महाल क्षेत्र की समस्या बताते हुए कहा है कि रात के समय गली और चौराहे में पुलिस गश्त बढ़ाया जाए जिससे क्षेत्र के अंदर चोरी जैसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती जिससे स्थानिक नागरिकों को समाधान मिलेगा। पुलिस गश्त बढ़ने से स्थानीय नागरिकों की समस्या दूर हो जाएंगी। PI ने इनकी बातों को गौर से सुनने के बाद आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द क्षेत्र के अंदर पुलिस गश्त बढ़ाया जाएगा जो कि हमारी जवाबदारी है। लोगों की सेवा के लिए हम रात दिन लगे रहेंगे। मध्य नागपुर युवा कांग्रेस के महासचिव नकिल अहमद ने खुफिया विभाग के निरीक्षक संजू सालोकी का भी स्वागत किया। प्रमुख रूप से महाराष्ट्र युवक का सचिव फजलूर रहमान कुरैशी, अजहर शेख, राकेश निकोसे, राजेश चौहान, कार्तिक भोसले, तुषार भगत, विनीत बागड़ी एवं युवा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े के नेतृत्व में OBC जागर अभियान के लिए विशाल बाइक रैली सतरंजीपुरा चौक से निकाली जिसका समापन सुरेश भट्ट सभागृह रेशिम बाग हुआ। रैली में OBC का राजकीय आरक्षण बचाने में असफल रही ठाकरे सरकार के विरोध में जमकर नारे लगे। रैली में प्रमुखता से मंडल अध्यक्ष संजय अवचट, उपमहापौर मनीषा धावड़े, नगर सेवक बाल्या बोरकर, प्रदीप पोहाने, चेतना टांग, मनीषा कोठे, धर्मपाल मेश्राम, सरिता कावरे, कांता रारोकर, हरीश दिकोणवार, मनोज चापले, बंटी कुकड़े, राजकुमार सेलोकर, मनीषा ताई अतकरे, अभिरुचि राजगिरे, अनिल गेंद्रे, दीपक वाड़ी भस्मे, वैशाली वैद्य, जयश्री रारोकर, समिता चकोले, वंदना भुरे, रेखा साकोरे, सेतराम सेलोकर, राजू गोतमारे, JP शर्मा, विनोद बांगड़े, मनोहर चिकटे, ललित आमगे, दत्तू बारस्कर, सुनील सूर्यवंशी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। लॉयंस इंटरनेशनल द्वारा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच पूरे विश्व में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान अनेकों सेवा कार्य किए जाते हैं जैसे विजन, डायबिटीज, हंगर वृक्षारोपण, गौ सेवा, मरीज सेवा आदि। लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर जो गत 67 सालों से नागपुर शहर एवं अन्य स्थानों में लगातार सेवा कार्य कर रही है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 से 8 अक्टूबर के बीच अनेकों सेवा कार्य किए। 2 अक्टूबर को क्लब के द्वारा एक विशेष वाहन तैयार किया गया जिसमें महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा गांधी चरखा चलाते हुए का सजीव चित्रण किया गया था। इसके माध्यम से गांधी जी के सिद्धांत एवं स्वदेशी को अपनाने का संदेश क्लब द्वारा समाज को दिया गया। यह वाहन महाराज बाग से निकली रैली में आकर्षण का स्थान दे जो वैरायटी चौक तक नहीं और महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का माल्यार्पण कर वापस महाराज बाग वापस आई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर लॉयन सतीश जैन एवं लॉयन नितिन वर्मा थे। 3 अक्टूबर को 2 सेवा कार्य किए। प्रथम 5 से 16 साल के बच्चों के लिए चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया जिसमें विश्व शांति संदेश पर चित्र निकालने का कार्य किया गया। इसके अलावा भी मानव सेवा हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। महमूदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देश्य संस्था द्वारा संचालित DDUJKY में नवरात्र उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में
कुंदा राउत सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद, रश्मि गुर्दे सरपंच लोनारा, गीता जामगढ़े उप सरपंच लोनारा, जगदीश शेलके उप सरपंच लोनारा, पुंडलिक सिरस्कर सदस्य, श्रावण तिवले, ईश्वर राउत, विजय सूर्यवंशी तथा डायरेक्टर तुषार मेश्राम DDUJKY उपस्थित थे। महमूदा शिक्षण संस्था में दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल्य विकास के अंतर्गत हेल्थ केयर सेंटर, रिटेल सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और इस योजना द्वारा अब तक 280 उम्मीदवारों को रोजगार दिया गया। इस योजना के तहत प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न उपक्रमों द्वारा व्यक्तिमत्व विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। इसी के चलते नवरात्रि के पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, गरबा नृत्य, पोस्टर स्पर्धा, रंगोली स्पर्धा, पुष्पगुच्छ स्पर्धा आदि का आयोजन करके नवरात्र उत्सव मनाया गया। कुंदा राउत ने अपने भाषण में ग्रामीण छात्रों के लिए यह योजना चलाने के लिए डॉक्टर अनीस अहमद को बधाई दी तथा आयोजित कार्यक्रम पर छात्रों की प्रशंसा करते हुए प्रशिक्षण द्वारा कुशल कौशल्य विकास के लिए शुभकामनाएं दी। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की शीर्ष व अग्रणी संस्था नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया के साथ चैम्बर के प्रतिनिधि मंडल तथा होटल ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त सुरेश अन्नापुरे सह आयुक्त खाद्य नागपुर से सदिच्छा भेंट कर उनका सत्कार किया। अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया ने चैम्बर की ओर से सुरेश अन्नापुरे का दुपट्टा व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। अश्विन मिहाड़िया ने उन्हें चैम्बर की गतिविधियों से अवगत कराते हुए नागपुर के खाद्य व्यापारियों की परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। सुरेश अन्नापुरे ने चैम्बर के प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद आश्वासन दिया कि उनके नेतृत्व में खाद्य विभाग व्यापारियों खाद्य संबंधी नियमों के अनुपालन में आ रही समस्याओं को हल करने में हर संभव सहयोग करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जनमानस की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग द्वारा खाद्य लाइसेंस एवं अन्य विषयों पर चर्चा सत्र व सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर खाद्य सहायक आयुक्त AP देशपांडे, चैम्बर के अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया, कोषाध्यक्ष सचिन पुनियानी, खाद्य व औषध उपसमिति के संयोजक एडवोकेट निखिल अग्रवाल, सह संयोजक प्रभाकर देशमुख, ज्ञानेश्वर रक्षक, दिलीप ठकराल, होटल ओनर्स एसोसिएशन के भवानी शंकर दवे, नारायण दास राठी, पुरुषोत्तम जोशी, मनीष अग्रवाल, प्रकाश व्यास, प्रमोद घुगरे व अन्य सदस्य उपस्थित थे। GH रायसोनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारत की आयुर्वेदिक उत्पादनों की जानी मानी कंपनी वीको लैबोरेटरीज के साथ एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ महाविद्यालय को प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रबंधन परामर्श, कौशल विकास तथा उद्योग जैसे क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार तथा संस्थानों को भेंट देने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर वीको लैबोरेटरीज के देवेश पेंढारकर, संचालक वीको लैबोरेटरीज तथा संकेत जोशी, विभाग प्रमुख मानव संसाधन वीको लैबोरेटरीज प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए संचालक डॉक्टर आरती देशपांडे ने कहा कि यह समझौता सही समय पर आया है, जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। इससे विद्यार्थी को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। ट्रेनिंग तथा प्लेसमेंट के डीन डॉक्टर ज्योति समसेरिया ने वीको प्रबंधक को इस समझौता ज्ञापन के लिए आभार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्राचार्य जसविंदर कौर, कांचन अरतानी, मनप्रीत पवार, अक्षत शाहू तथा हर्ष अग्रवाल प्रमुखता से उपस्थित थे। CA मनीष शाह ने इस समझौता ज्ञापन के लिए संचालक डॉक्टर आरती देशपांडे के मार्गदर्शन में अथक प्रयत्न किए। रक्तदान को प्रोत्साहन देने हेतु 2 अक्टूबर को निकाली गई वंदे मातरम रक्तदान महायज्ञ जन जागरण रैली का शुक्रवार को वापस नागपुर आगमन हो रहा है। इस संदर्भ में नरेंद्र सतीजा ने बताया
कि देवता लाइफ फाउंडेशन के तत्वावधान में अध्यक्ष किशोर बावने के नेतृत्व में रैली ने राज्य का भ्रमण करते हुए लगभग 6000 किलोमीटर का रास्ता तय किया। रैली का बड़े शहरों के अलावा छोटे गांव में उत्साह पूर्वक स्वागत किया गया। अनेक स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया एवं रक्तदान के संदर्भ में समुचित मार्गदर्शन किया गया। मार्ग में धार्मिक स्थलों के दर्शन किए व वहां भी रक्तदान हेतु जन जागरण किया। मुंबई में महामहिम राज्यपाल ने राजभवन में स्नेहिल स्वागत किया। उन्होंने सबका हौसला बढ़ाया व शुभकामनाएं दी। रैली अपने अंतिम पड़ाव में भंडारा जिले का दौरा करते हुए शाम 5 बजे रेशिमबाग स्थित स्मृति मंदिर पहुँचेगी। देवी नवरात्रि में बंजारी देवी स्टेशन रोड DRM ऑफिस के बाजू के मंदिर में काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें महानगर के साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर बालकृष्ण महाजन, श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी तथा टीकाराम साहू ने अपनी व्यंग्य कविताओं ने वहा के सुनने वालों को गुदगुदाने का सफल प्रयास किया। इस मंदिर के पदाधिकारियों ने सभी कवियों को श्रीफल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर नितिन राउत जनसेवा सप्ताह के 5वें दिन मंगलवार सुबह 10 बजे प्रभाग 2 के नगर सेवक दिनेश यादव के जनसंपर्क कार्यालय कपिल नगर चौक में वीज मीटर जोड़नी शिविर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रभाग 2 के नगर सेवक दिनेश यादव ने डॉक्टर नितिन राउत जनसेवा सप्ताह के 5वें दिन वीज मीटर जोड़नी शिविर के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के 35 लोगों के घर जाकर तुरंत मीटर लगाए गए व 52 लोगों का मीटर डिमांड निकाला गया। इस अवसर पर डॉक्टर नियाज सिद्दीकी अध्यक्ष उत्तर नागपुर महावितरण समिति घाटोले टेम्बेकर ताकसांडे दौलत कुंगवानी बेबी गौरीकर साहेबराव सिरसाट तुषार नंदगावली गौतमी सुहास नारनवरे अकील अफसर राम यादव दुर्गेश पांडे नीलेश गजबीये आतिश रामटेके अजीत यादव सौरभ सोनटक के वीरेंद्र यादव अजमल अहमद जमील अहमद प्रवीण राउत अविनाश पोड़े पलाश लिगायत शिव यादव हर्ष खोबरागढ़े विकास यादव सतीश गजबीये उपस्थित थे। बॉलीट्यून्स म्यूजिकल एंटरटेनर्स एंड इवेंट्स द्वारा प्रस्तुत दस्ताने किशोर यह नॉन स्टॉप 102 सोलो गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की संकल्पना बॉलीट्यून्स के संचालक मयंक बोरकर की थी। साथ ही कार्यक्रम का संचालन लाफ्टर चैलेंज फेम साजिद कुरैशी व MA रजाक ने किया। कार्यक्रम का आयोजन अमृत भवन उत्तर अंबाजरी मार्ग पर किया गया था और इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब से किया गया। इस कार्यक्रम में कुल गायक कलाकारों का सहयोग था, जिनमें मनोज पुरी सुहास आम्बुलकर मंगेश भोयर युवराज व्यास अविनाश चन्ने अनिल पिल्ले धवल खेड़ीकर विजय ढवले गिरीश शर्मा एडवोकेट श्याम अहरीकर गौतम सान्याल चेतन वानखेड़े जफर हुसैन मुरलीधर बर्डे योगेश परांजपे श्रीधर विश्वनाथ शशिकांत वाघमारे संजय वाघमारे डॉक्टर प्रवीण जाधव विजय कपाले व रवि राजन यह गायक कलाकार शामिल थे। सभी गायक कलाकारों ने किशोर कुमार की गीतों को गाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत सौतन फिल्म के जिंदगी प्यार का गीत है इस गीत से हुई। बाद में ओ मेरे दिल के चैन छूकर मेरे मन को दिल आज शायर है रिमझिम गिरे सावन इना मीना डिका ऐसे विभिन्न गीतों की प्रस्तुति गायक कलाकारों ने दी और ऐसे ही हर्ष और उल्लास से कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेट्रो स्टेशनों के आसपास की बस्तियों के नागरिकों को मेट्रो स्टेशन तक आवागमन की सुविधा में वृद्धि की गई है। नागरिक ई रिक्शा के माध्यम से आसानी से मेट्रो स्टेशन पहुंच सकते हैं। मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए महामेट्रो द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में नॉन मेट्रो परिसर में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फीडर सर्विस के लिए साइकिल ई स्कूटर तथा ई रिक्शा की संख्या बढ़ाई गई है। मेट्रो स्टेशनों से यात्रीगण गंतव्य स्थान तक फीडर सेवा के तहत सामान्य किराए पर पहुंच सकते हैं। महामेट्रो ने VIPL कंपनी के साथ किराए पर साइकिल यात्रियों को उपलब्ध करने के लिए करार किया है। इसी तरह ई रिक्शा के लिए ETO कंपनी के साथ करार किया गया है। मेट्रो की हर स्टेशन पर यह फीडर सेवा यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। मेट्रो रेल के साथ आवागमन के सभी साधनों को जोड़ने के लिए महामेट्रो ने अपनी सभी स्टेशनों पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन MMI
एमएमटीआई लागू किया है। शहर के लिए गैर मोटर चालित परिवहन एनएमटी और पैदल यात्री को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। महामेट्रो का मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रदूषण मुक्त, दुर्घटना मुक्त, प्रकृति की बचत और सुरक्षित, आरामदायक और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बनाना है। नवरात्रि आदि शक्ति पूजा और नव निर्माण का उत्सव है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नागपुर में प्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स भी हर साल बड़ी भक्ति के साथ नवरात्रि मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के मौके पर शोरूम में एक खास रौनक देखने को मिली और इस दौरान ग्राहकों ने भी हमेशा की तरह गहनों की खरीदारी पर भारी संख्या में प्रतिक्रिया दी। 3 पीढ़ियों में आभूषण बनाने की गौरवशाली परंपरा को कायम रखने वाले रोकड़े ज्वेलर्स ने अपने गहनों की विविधता, अनूठी कलाकृति और अतुलनीय शुद्धता के कारण नागपुर के लोगों के मन में एक विशेष स्थान बनाया है और वह स्थिति 3 पीढ़ियों से जस की तस बनी हुई है। रोकड़े ज्वेलर्स व्यापक रूप से एक सुनार के रूप में जाना जाता है, जो सभी के पसंदीदा आभूषण एक ही छत के नीचे प्रदान करता है। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती आदि से बने नवीन आभूषण रोकड़े ज्वेलर्स की एक विशेषता है। लेकिन साथ ही रोकड़े ज्वेलर्स की एक और विशेष पहचान है, जो कि रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा आयोजित उपभोक्ता अनुकूल ज्वेलरी फेस्टिवल और नवीनतम उपक्रम नवरात्रि के मौके पर भी नागपुर वासियों को लक्ष्मी नगर, इतवारी महल और एयरपोर्ट पर रोकड़े ज्वेलर्स के चारों शोरूम में खूबसूरत और लेटेस्ट ज्वेलरी का नजराना देखने को मिला। कोविड-19 वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे और नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहर में लागू किए जा रहे मिशन कवच कुंडल अभियान को नागरिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस अभियान के तहत 8 से 12 अक्टूबर के बीच शहर में पहले और दूसरे टीकाकरण की कुल 78,240 डोज दी गई है। 8 से 14 अक्टूबर तक टीकाकरण के लिए शहर में मिशन कवच कुंडल नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मनपा की स्वास्थ्य टीमें तैयार है। मनपा की टीमें वार्ड स्तर पर टीकाकरण अभियान पर काम कर रही है और इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, डॉक्टर, इंटर्न और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी सहयोग कर रहे हैं। 8 से 12 अक्टूबर तक 37,000 से अधिक नागरिकों को पहला डोज दिया गया और 41,193 नागरिकों को मिशन कवच कुंडल अभियान के माध्यम से वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस बीच दूसरा डोज लेने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चीलकर ने दी है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण एक बड़ा हथियार है। कोविड के कारण बने हालात ने शहर में विकास कार्यों को प्रभावित किया। सबसे ज्यादा असर शहर की सड़कों पर पड़ा। सड़कों पर गड्ढों के कारण बढ़ते हादसों के खतरे को देखते हुए नागपुर मनपा के सभागृह में शहर की पूरी सड़कों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रशासन के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निगम के वार्षिक बजट में जिस मद से धनराशि खर्च नहीं हुई है, वह सड़कों के रखरखाव के लिए परिवर्तित की जाएगी। तदनुसार मनपा आयुक्त द्वारा मनपा में विभिन्न मदों से 36.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि को शहर की सड़कों के लिए परावर्तित करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया। बुधवार को हुई विशेष बैठक में मनपा आयुक्त के इस प्रस्ताव को सदन में सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नगर विकास के संदर्भ में मनपा आयुक्त के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय ऐतिहासिक है और मनपा आयुक्त के इस निर्णय से शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह कहते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी व प्रशासन को बधाई दी। वर्तमान में विकास कार्यों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 242 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कई अन्य कार्य भी प्रस्तावित है या उन्हें मंजूरी दी जा चुकी है। कोविड नियमों का पालन करते हुए 14 व 15 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में धम्म चक्र संवर्धन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संबंध में दीक्षा भूमि पर आने वाले बौद्ध अनुयायियों की सुविधा के लिए नागपुर महानगर पालिका द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और अनुयायियों को किसी भी तरह की असुविधाएं न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए नागपुर महानगर पालिका तैयार है।
महापौर दयाशंकर तिवारी ने दीक्षा भूमि पर आने वाले अनुयायियों से अपील की है कि वे अपने और दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इस बात का ख्याल रखें कि उनकी तरफ से किसी भी तरह से नियम न तोड़े जाए। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर दीक्षा भूमि आने वाले बौद्ध अनुयायियों की सुविधा के लिए साहित्य भूषण अन्ना भाऊ साठे स्मारक के पास एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके अलावा दीक्षा भूमि की ओर जाने वाली सड़कों पर 6 टीकाकरण केंद्र भी शुरू किए गए हैं। बुधवार को महापौर दयाशंकर तिवारी ने कंट्रोल रूम सहित 6 टीकाकरण केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, लक्ष्मीनगर अंचल सहायक आयुक्त गणेश राठौड़, कार्यपालक अभियंता विजय गुरुबख्शानी, जोनल चिकित्सा अधिकारी एवं दीक्षा भूमि में स्वास्थ्य प्रणाली के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील कांबले आदि उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।